2020 वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? कोई बोलता है क्रिकेट, कोई इस साल या कोरोना वायरस को पॉइंट करता है, एक आध क्रिएटिव लोग निकलते हैं वो 2020 विजन की दाद देते हैं। लेकिन ये वर्ड ईटी मनी और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आज आप ईटी मनी पे 2020 टाइप के म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। 2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स, आपके मन में सवाल तो कभी आया ही होगा कि इतने म्यूचुअल फंड्स में से एक लॉन्ग टर्म और विनिंग पोर्टफोलियो कैसे चुने। तो आइए साथ में समझते हैं कि कैसे एक 2020 टीम जैसे आप भी एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का फाउंडेशन एक 2020 क्रिकेट टीम के जैसे ही होता है। देखिए ना, T20 टीम में होते हैं बैट्समैन और बॉलर्स, बैट्समैन स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, बॉलर स्कोर को डिफेंड करते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में होते हैं इक्विटीज़ एंड डेट। इक्विटीज़ आपके पैसों को ग्रो करने का काम करते हैं और डेट आपके पैसों को प्रोटेक्ट करने का। अब क्रिकेट प्लेयर्स तो बहुत हैं, बट एक अच्छे 2020 टीम में हर पोजिशन के लिए सही प्लेयर को चुना जाता है, और इसी तरह एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी सोच समझ कर सही स्कीम कैटेगरी और सही स्कीम सेलेक्ट करना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बैटिंग यानी इक्विटीज़ पे फोकस करेंगे और समझेंगे कैसे एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग साइट जैसे एक विनिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बनाया जा सकता है। T20 का बैटिंग लाइनअप ज़्यादातर इस तरह होता है। एक और दो पोजिशन में आपके टॉप बैट्समैन या लीडिंग स्कोरर्स जाते हैं, तीन और चार में होते हैं आपकी टीम के बेस्ट एक्यूमुलेटर्स, पांचवें पोजीशन में आपका इंटरनेशनल प्लेयर आता है, छठे पोजीशन में ऑलराउंडर और सातवें नंबर पे आपके टीम का लप्पेबाज या स्लॉगर बैटिंग पे जाता है। तो ये हैं हमारे पांच टाइप के बैट्समैन जो अलग अलग पोजीशंस में एक स्पेसिफिक रोल या ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं, और ज़्यादातर एक बैट्समैन सिर्फ अपने प्राइमरी पोजिशन में ही अच्छा खेल पाता है। यानी कि हर रोल के लिए एक माहिर बैट्समैन को चुनना उतना ही ज़रूरी है जैसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सही फंड कैटेगरी और स्कीम को चुनना। एक T20 ओपनिंग बैट्समैन के कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफ़ी क्लियर है। ज़्यादातर वो टीम का लीडिंग स्कोरर होता है, उसे एक मैच विनर जैसे देखा जाता है, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट होता है, एंड ऑफकोर्स उसका प्राइस टैग थोड़ा एक्सपेंसिव ही होता है। लार्ज कैप फंड्स आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लीडर्स होते हैं। लार्ज कैप फंड्स भारत के सबसे बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और ये कंपनीज हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के भाग हैं। यानी कि अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा करती है तो लार्ज कैप फंड्स को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है। अब एक इकोनॉमी जैसे ही इन फंड्स में भी थोड़ा उतार चढ़ाव तो होता ही है, बट एज एन इन्वेस्टर मुझे काफ़ी कम्फर्ट मिलता है जब मेरा पैसा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो डाउनटर्न या प्रॉब्लम्स के टाइम पर भी चीज़ों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड का, जो एक लार्ज कैप फंड है और इंडिया के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से माना जाता है। अगर इस फंड के एनुअल परफॉर्मेंस को देखें तो समझ आता है कि कुछ साल ये फंड छक्के और चौके मारता है और कुछ साल डॉट बॉल या सिंगल ही स्कोर कर पाता है। बट जब आप इस फंड के परफॉर्मेंस को एक लंबी अवधि या लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो सही में पता लगता है कि क्यों लार्ज कैप फंड्स हमारे लीडिंग रन स्कोरर्स बनते हैं। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड ने पिछले 15 साल में 14% का एनुअल रिटर्न्स दिया है। यानी कि अगर 1,00,000 रुपए आपने सन 2006 में इन्वेस्ट किया होता तो वो अमाउंट आज 7,00,000 रुपए से ज़्यादा हो गया होता। लार्ज कैप फंड्स का आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया के सारे लार्ज कैप फंड्स, उनका परफॉर्मेंस, रेटिंग, AUM और कई छोटे बड़े बारीकियों को ETMoney ऐप या ETMoney.com वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। और अगर आप इस तरह के म्यूचुअल फंड्स और मनी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर अपडेटेड कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर भी टैप करें। इससे आपको टाइमली वीडियोस अलर्ट्स भी मिल जाएंगे। नंबर 3 और 4 के बैट्समैन आपके एक्यूमुलेटर्स होते हैं, जो मिडिल ओवर्स में सिंगल्स, डबल्स और बाउंड्रीज के साथ 7 से 8 रन का रन रेट मेंटेन करते हैं। एक्यूमुलेटर्स का रोल 7 से 8 रन कलेक्ट करने का ही नहीं होता है, बट एक इनिंग्स को ट्रैक पे लाना और लास्ट के 6-7 ओवर में एक ऑल आउट असॉल्ट करने के कंडीशंस को रेडी करने का भी होता है।
मल्टी कैप फंड्स इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स और डिफरेंट टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको सेक्टर डाइवर्सिटी ही नहीं बट लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में पार्टिसिपेशन का भी मौका मिलता है। हमने पिछले सेक्शन में आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी को रिव्यू किया था जो एक लार्ज कैप फंड है। आइए इस फंड का कंपैरिजन करते हैं SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड के साथ। दोनों फंड का कंपैरिजन करें तो देखने में आता है कि मल्टी कैप फंड्स जनरली लार्ज कैप फंड से थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं। बट ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इसलिए आता है क्योंकि मल्टी कैप फंड मैनेजर्स थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क भी लेते हैं जब वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। क्रिकेट के हिसाब से देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज आपके क्विक सिंगल्स एंड डबल्स होते हैं जिसको चुराना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाउंड्रीज मारना। याद रखिए, मल्टी कैप फंड्स आपके विनिंग पोर्टफोलियो का सबसे कोर और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। एक छोटा क्विज हो जाए। इंडियन T20 लीग में हर मैच में मैक्सिमम ऑफ 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड होते हैं। ज़्यादातर मैचेस में सारे अलॉटेड ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाया भी जाता है। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि कभी 3 ही ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाया गया हो। तो सवाल ये है कि क्या आप ऐसा कोई मैच जानते हैं जिसमें 4 नहीं, 3 नहीं, 2 या 2 से कम ओवरसीज प्लेयर्स को ही खिलाया गया हो? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितना इम्पॉर्टेंट ओवरसीज प्लेयर्स हैं एक 2020 क्रिकेट टीम में, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल एक्सपोजर। इन्वेस्टर्स के पास इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के कई ऑप्शंस हैं। US मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, नैसडैक, चाइना, ब्राज़ील स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट ET मनी पे 30 अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल फंड्स अवेलेबल हैं। बट इंटरनेशनल फंड्स का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में होना अच्छा क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। पहला, कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, होंडा अपने अपने फील्ड में टॉप कंपनीज में माने जाते हैं, यानी कि टॉप स्कोरर्स हैं और कई सालों से अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। दूसरा रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। आइए इंडियन निफ्टी 100 और यूनाइटेड स्टेट्स के नैसडैक 100 मार्केट्स के बीच में एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। पिछले 15 साल का डेटा देखें तो समझ आता है कि 5 साल इंडियन मार्केट्स ने नैसडैक से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिया है। 6 साल ऐसे भी निकले जब नैसडैक 100 ने निफ्टी 100 को मात दी है। स्टॉक मार्केट्स अक्सर बुल और बियर मार्केट के साइकिल्स में जाते हैं और इसलिए हमारा सजेशन है कि आप रिटर्न्स के साथ डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखें और अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक सेक्शन इंटरनेशनल फंड्स में डिप्लॉय करें। आफ्टर ऑल, स्कूल में हम सब ने पढ़ा है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नंबर 5 और 6 पे हमारे लोअर मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स आते हैं जिनमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों स्किल्स होते हैं, यानी कि बैटिंग करके रन स्कोर भी कर लेते हैं और अच्छी बॉलिंग के साथ रन्स बचा भी लेते हैं। इसके अलावा ऑलराउंडर्स कंडीशंस के हिसाब से खेलते हैं, उन्हें कब अग्रेसिव हिटिंग करना है और कब संयम से रन्स अक्यूमुलेट करना है वो पता होता है। म्यूचुअल फंड्स की भाषा में बोला जाए तो उन्हें रिस्क, रिवॉर्ड और गोल का अच्छा नॉलेज होता है और इन फंड्स को कहा जाता है बैलेंस एडवांटेज फंड्स। देखिए, नाम थोड़ा सा तो स्ट्रेंज है, बैलेंस भी है, एडवांटेज भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और फ़ायदेमंद भी। इन फंड्स को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स भी कहा जाता है। बैलेंस एडवांटेज फंड्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंडीशंस के हिसाब से इन्वेस्टर्स को अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देना। मैं फिर से बोलता हूँ, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न्स डिलीवर करना, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए। एक मार्केटिंग पंचलाइन में बोले तो अबव एवरेज रिटर्न्स एट बिलो एवरेज रिस्क। बैलेंस एडवांटेज फंड्स ये रिटर्न और रिस्क का बैलेंस को मेंटेन करते हैं इक्विटी और डेट के एलोकेशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके। जी हाँ, इन फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों होते हैं। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को इस फंड कैटेगरी का बाप बोला जाता है। और क्यों नहीं, ये फंड 26,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टर मनी संभालता है। हमारे ऑलराउंडर्स जैसे एग्रेशन और एक्यूमुलेशन में स्विच करते हैं, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड भी अपने इक्विटी और डेट के प्रोपोर्शन को चेंज करते रहता है। अब ये डेटा देखिए, पिछले कुछ महीनों में एक अच्छे अडाप्टर की तरह ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने अपना इक्विटी का भाग काफ़ी चेंज किया है। कोरोना वायरस की न्यूज़ के पहले निफ्टी 12,000 के लेवल पर था
और उस टाइम पे इस फंड ने अपना इक्विटी 48% पर रखा था। और फिर जब मार्च में निफ्टी ज़बरदस्त गिरा और अगले 3 महीनों में 10,000 पॉइंट्स के नीचे चला गया, तब इस फंड के इन्वेस्टमेंट टीम ने इक्विटी का प्रपोर्शन बढ़ा के 70% तक पहुँचा दिया। कभी 48, कभी 70, यही हमारे नंबर 5 और नंबर 6 ऑलराउंडर की खूबी है, जो हर कंडीशन में एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है कम से कम रिस्क लेके। मार्केटिंग वालों ने सही ही बोला है, अबव एवरेज रिटर्न्स एट बिलो एवरेज रिस्क। और हमारा आखिरी बैट्समैन है मिड कैप फंड्स, जिनका काम होता है आपके पोर्टफोलियो को एक्सेलरेशन देना। लेकिन स्लॉगिंग के साथ रिस्क तो है, सिक्स भी जाता है लेकिन आउट होने का भी अच्छा चांस होता है। इसी तरह आपके पोर्टफोलियो का मिड कैप पोर्शन भी साइकिल्स में काम करता है, कभी आर या कभी पार। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई जब इतना रिस्की है तो क्यों लेना है मिड कैप फंड्स को। सवाल तो सही है, तो आइए थोड़ा डेटा पे ध्यान देते हैं और कंपेयर करते हैं निफ्टी 100, जो एक लार्ज कैप इंडेक्स है, और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को। ये स्टडी में हमने 15 साल का एनुअल रिटर्न्स का डेटा यूज़ किया है। ज़रा चौथे कॉलम पे कॉन्सेंट्रेट करें और देखिए लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे 2019 में 10% से ज़्यादा का डिफरेंस है, जब लार्ज कैप्स ने मिड कैप से बेटर परफॉर्म किया था। 2018 में तो ऑलमोस्ट 15% का डिफरेंस था, बट 2017 में मिड कैप्स ने मैदान साफ कर दिया और 22% से लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म किया। यानी कि एक्सेलरेशन के अलावा मिड कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस गैप्स, जो लार्ज कैप या मिड कैप नहीं कर पाते हैं, उसे भी प्लग कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये T20 स्टाइल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। ईटी मनी की तरफ से सारे T20 टीम्स और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ ईटी मनी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.